हरिद्वार में गंगा किनारे योग गुरु बाबा रामदेव के द्वारा 150 युवक और युवतियों को सन्यासी दीक्षांत समारोह में शामिल कर सन्यास दिलाया गया। आपको बता दें कि हरिद्वार के पतंजलि आश्रम में पिछले 10 दिनों से सन्यासी दीक्षांत समारोह के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज रामनवमी का पर्व है और रामनवमी पर भगवान राम की मर्यादा को, उनके चरित्र को आत्मसात करके स्वयं राम के विग्रह बनने का दिन है और रामनवमी के साथ साथ आज सनातन का गौरव का दिन है, सन्यास का गौरव का दिन है, क्योंकि अब ये सनातन धर्म विश्व धर्म बनेगा। अब राम जैसा पवित्र चरित्र दुनिया के सब लोगों का हो, इसका एक शंखनाद होगा और ऐसी सन्यासी जो अपने हृदय में ऐसे विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर सन्यासी बन रहे हैं। कोई पलायनवादी और प्रमादी सन्यासी नहीं, योगी कर्मयोगी देश और दुनिया के लिए उपयोगी ऐसे विद्वान और विदुषियां जो किसी अभाव में किसी प्रभाव में नहीं बल्कि जिन्होंने स्वभाव में सन्यास को उतारा है, वो यहाँ पर आज सन्यास धारण कर रहे हैं और इस सन्यास को धारण करके वो जीवन में रुकने वाले नहीं, चरैवेति चरैवेति बढ़ते चलेंगे और सारी दुनिया में योग धर्म वेद धर्म ऋषि धर्म सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे। सभी युवकों की उम्र 25 या उससे अधिक है। सन्यास लेने वाले सभी युवा पढ़े लिखे हैं। ज्यादातर युवक व युवतियां मैकेनिकल और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड से हैं, जबकि कुछ युवा मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। सन्यास लेने वाले कुछ युवा ऐसे भी हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर एमए या एमएससी फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीएचडी कर रही हैं। ये सभी 5 साल या फिर उससे ज्यादा लंबे समय से बाबा रामदेव और उनके आश्रम से जुड़े हुए हैं और सभी ने वैदिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई की है, जिसके बाद अब उन्हें संन्यास दिलाया गया, जहां पारंपरिक रीति रिवाज से प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इन युवाओं को भगवा वस्त्र धारण कराया गया। इन सन्यासियों के बनने से 140 करोड़ देशवासियों में सद्ज्ञान सद्भाव सद्गुणों का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का, वीरता का, शौर्य का, सद्गुणों का आविर्भाव होगा और जब सब दिशाओं से ये देश के व्यक्तित्व को, चरित्र को, नेतृत्व को घड़ने का काम करेंगे तो ये आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का अनुष्ठान है ये सन्यास। ये कंप्लीट डिटैचमेंट अशुभ से, अज्ञान से, अधर्म से, दुर्गुण दोष दुर्बलताओं से कंप्लीट डिटैचमेंट और सद्गुरु से, सद्ज्ञान से, सद्भावों से, भगवान से, सब प्रकार की दिव्यता से, मैत्री से, करुणा से, सच्चाई से अटैचमेंट। तो ये बात ही ऊंचा मार्ग है, इससे बड़ा कोई त्याग नहीं, इससे बड़ा कोई तप नहीं, इससे बड़े जीवन का कोई प्रयोजन नहीं। पूरे देश में इन दिनों हिंदू सनातन धर्म और भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। आए दिन धर्मगुरुओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इस विशेष कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए और कार्यक्रम के दौरान दीक्षा लेकर सन्यास लेने जा रहे 150 सन्यासियों से बात की। इस दौरान आरएसएस प्रमुख ने उन्हें जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण बातें सन्यास को लेकर बताईं।